अरे ठीक है यार, घनश्याम श्याम श्याम घनश्याम का जो बोला यहाँ पर। अभी आपने देखा है वीडियो के माध्यम से, हमने आपको दिखाया कि अभी रेत की रॉयल्टी पर्ची आ गई है। यहाँ पर इतने लोगों की भीड़ मची हुई है और रेत रॉयल्टी पर्ची, यहाँ पर हमने सरपंच महोदय, खनिज विभाग सबों को फ़ोन लगाया। हम पिछले 2 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे समाचार भारती न्यूज़ 24 के प्रयास से यहाँ पर सुबह से बैठे तमाम चालकों को अब जाकर रेत रॉयल्टी पर्ची जो है वह प्राप्त होनी प्रारंभ हो गई है। और अभी सरपंच महोदय ने रेत रॉयल्टी पर्ची यहाँ पर दी है और रेत रॉयल्टी की पर्ची यहाँ पर सभी चालक यहाँ पर कटा रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं कि किस तरह से रेत रॉयल्टी पर्ची जो है पर यहाँ कटी जाती है और कितने का शुल्क जो है वो एक चालक अदा करता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है रेत 3 घन मीटर इसका जो मूल्य है, ये कुल मूल्य अभी काटी जा रही है, इसका फॉर्म भरा जा रहा है। कुल कितना रेट भैया निकाल रहे हैं, क्या नाम है आपका? रामचरण राजवाड़े। राजवाड़े जी, अभी ये पर्ची जो कट रही है एक ट्रैक्टर के लिए जी, कितना उसमें घन मीटर होता है भैया रेट? 3 घन मीटर। क्या मूल्य अभी लिया जा रहा है भैया? 200 रुपये प्रति घन मीटर। प्रति घन मीटर का मतलब क्या है भैया? पता नहीं, इसमें तो दिया है देखे ना, प्रति घन मीटर नहीं, मतलब प्रति घन मीटर है तो प्रति घन का मतलब होता है, एक घन का मतलब 200 रुपये हुआ क्या? हाँ है, तो मतलब यह 600 हुआ इसका। हाँ जी, तो 600 रुपये काटा जा रहा है जी। तो रेत रॉयल्टी जो है प्रति घन मीटर 3 जो है 200 रुपये है, यानी कि 3 घन मीटर एक ट्रैक्टर में आता है तो इस हिसाब से जो है 600 रुपये जो है यहाँ पर ली जा रही है। 3 ट्रिप दो लग काटना यहाँ पर जो है, ये कितने ट्रिप की कटी जा रही है यहाँ पे? एक ट्रिप की कटी जा रही है। अच्छा, ये जो रेत जो है यहाँ पर जो डंप जो अभी जो लोडिंग की जा रही है जी, तो किनके माध्यम से लोडिंग करने का प्रावधान है? लेबर माध्यम से। लेबर कौन देता है? हम ही लोग देते हैं। तो उसका भी शुल्क लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर सभी चालक जो है अपना लेबर लेकर आते हैं? बोला ना, हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ जी, सभी जो चालक हैं अपना लेबर लेकर नहीं आते हैं, आप लोग लेबर देते हैं? हाँ हाँ, आप लोग लेबर जी। तो यहाँ पर किसी को ऐसा शिकायत तो नहीं है कि लेबर आप लोग के लगे हुए हैं और आप ही लोग जो है मजदूरी कर रहे हैं, लगा रहे हैं जो है? आपका क्या नाम है भैया? महेश पटेल। महेश पटेल जी, आपकी गाड़ी भी है यहाँ? नहीं। आप और आपकी गाड़ी है क्या भैया? आपकी भी गाड़ी है भैया? आप आपका क्या नाम है? अच्छा, तो गाड़ी किसकी है? गाड़ी किसकी है भाई? दीपक जी? नहीं, ट्रैक्टर वाला नहीं हूँ भाई, इधर देखो बात कर लो। अरे चलिए, तो यहाँ पर चालकों को किसी प्रकार की अभी फिलहाल जो जब रॉयल्टी पर्ची आ गई है तो किसी प्रकार की समस्या फिलहाल नहीं आ रही है। उनका कहना है कि अभी 600 रुपये जो शुल्क होता है वह हम दे रहे हैं और अभी यहाँ पर वर्तमान में जो मौजूद हैं जो चालक और ट्रैक्टर स्वामी मौजूद हैं, उनका कहना, देखिए इस तरह की पर्ची जो है काटी जा रही है एक ट्रैक्टर के पीछे। कितना मूल्य दिया भैया आपने, कितना कीमत दिया आपने? 600। कितनी गाड़ी है आपकी भैया? एक ही है। क्या नाम है आपका? क्षेत्रम। तो क्षेत्रम जी, एक गाड़ी है, कहाँ लेके जाएंगे आप? ये जाएगा कोरबा। अच्छा, कोरबा में कहाँ भैया? कोरबा बस स्टैंड। अच्छा, तो अभी आपने 600 रुपये दिया है, इसका टाइमिंग देखिए, यहाँ पर 3 तारीख है, इसकी टाइमिंग 3:42 है, वाहन का नंबर यहाँ पर नोट किया जाता है और इस तरह से तमाम चीज़ें यहाँ पर अंकित की जाती हैं ताकि जो है इनको रास्ते में किसी प्रकार की समस्या ना होने पाए। खनिज या फिर और विभाग अगर उनको रोकता है तो इस पर्ची को दिखाकर अपने गंतव्य तक बड़े ही आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। धन्यवाद भैया आपका। धन्यवाद दर्शकों, कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती।